हेलो एवरी वन वेलकम टू पिताबरा एजुकेटर्स सी बी एस ई हैज़ रिलीज इट्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास ट्वेल्थ आई टी एंड सब्जेक्ट कोड इज एट ज़ीरो टू फॉर दिस सेशन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सैम्पल क्वेश्चन पेपर और ऐसे कॉमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो जब हम इससे डिस्कस करेंगे तो हमें आइडिया भी आता जाएगा कि हमें किस तरीके से टॉपिक्स प्रिपेयर करना है सो so, उससे पहले हम देखते हैं कि हम ये सैम्पल पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सी बी एस ई एकेडेमिक्स वेबसाइट में आप जाएंगे सी बी एस ई अकेडमिक्स डॉट एन आई सी डॉट इन देन स्किल एजुकेशन टैप इसमें आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखेगा ये जो सब्जेक्ट है इट इज़ अ स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट तो हमें स्किल एजुकेशन में जाना है देन सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेशन सेलेक्ट करना है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर देन क्लास ट्वेल्थ एट जीरो टू सब्जेक्ट कोड है इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस लिंक पे है और इसकी मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है तो आप मार्किंग स्कीम और सैम्पल क्वेश्चन पेपर दोनों ही चेक कर सकते हैं अदरवाइज़ सैम्पल क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा सो so, अब हम सबसे पहले ब्लू देख लेते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर का आपका टेन मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपकी फ़ाइव यूनिट्स है और यहाँ पे आपको अच्छी खासी चॉइस मिलती है आपको आउट ऑफ सिक्स क्वेश्चन एनी फोर करना है तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल ईजी यूनिट है ये प्रिपेयर कर सकते हैं और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल भी इजी यूनिट है बट आईसीटी स्किल्स में काफ़ी कुछ है तो आप इस यूनिट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से एक एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो इसे स्किप कर सकते हैं बाकी फोर यूनिट्स या बाकी थ्री यूनिट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं लाइक ग्रीन स्किल इजी यूनिट है तो ग्रीन स्किल कम्युनिकेशन स्किल एंड सेल्फ मैनेजमेंट इन इन तीन यूनिट को भी अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ईजीली आप ये जो चॉइस है इसमें आप फोर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं ऐसे ही टू मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसमें भी एनी थ्री करने हैं तो अगर आपने ये थ्री यूनिट्स प्रिपेयर किए ग्रीन स्किल सेल्फ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल सो यहाँ से भी थ्री क्वेश्चन ईजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे नेक्स्ट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स जहाँ से आपके मेजोटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में और इसमें भी जो दो मेन यूनिट्स हैं जिन पे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल ऑफ जावा प्रोग्रामिंग बाकी दो यूनिट जो है सेकेंड एंड फोर्थ हैं ये बहुत ईजी है थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं से एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इन्हें इजीली कर सकते हैं एक दिन में भी प्रिपेयर हो जाएंगी नेक्स्ट है डेटा बेस कॉन्सेप्ट अगर आप क्वेरीज़ का स्ट्रक्चर एक बार लर्न लेंग कर लेंगे तो ईजीली ये भी आपका हो जाएगा बट थोड़ा सा फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है चैनल uh, पे वीडियोस भी हैं जिनमें टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं तो अगर आप उन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और uh, समझने की कोशिश करेंगे तो ये यूनिट अच्छी से आपकी प्रिपेयर हो जाएगी नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस इसमें भी देखिए चॉइस है तो अब आपको देखना है कि किस तरीके से आप चॉइस का बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि हर एक यूनिट uh, को पढ़ने की ज़रूरत इतनी डीपली नहीं है आप अप, अपने अकॉर्डिंग पढ़िएगा जैसे आप एक बार को वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी को और ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन को एक एक बार पढ़ के छोड़ भी सकते हैं ठीक है बाकी यहाँ से आपको दिख रहा है कि ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं तो ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टेन ट्वेंटी टू क्वेश्चन तो ये दो मेन यूनिट से ही आ रहे हैं तो ज़्यादा टाइम आपको यूनिट वन और थ्री में देना है क्योंकि अगर आपकी ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर हो गई तो आपके ये सारे क्वेश्चन जो है ईजिली हो जाएंगे नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जिसमें कि आपके फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से हैं इट मीन्स पार्ट ए से हैं और आपको सिर्फ फोर क्वेश्चन अटैम्प्ट है सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एक्सट्रीम फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस एंड वरीड बिकॉज यू बिलीव दैट अदर पीपल डोंट लाइक यू और ट्राइंग टू हार्म यू एंडस आंसर इज पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये पेरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन है अगर आप बुक देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दिए हैं तो आपको इन सारी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए ये जो टॉपिक है ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स यूनिट से है और आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए नाउ नेक्स्ट इज डैश इज डिफाइंड एज द ड्राइव रिक्वायर टू इंगेज इन गोल औरिएड बिहेवियर ये एक ईजी क्वेश्चन है इसका आंसर है मोटिवेशन सो मोटिवेशन एक ऐसी इनर ड्राइव है जो हमें क्या करते हैं गोल औरिएंटेड हमारा बिहेवियर रखती है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन डैश सिम्बल इज डिस्पलेड वैन कॉलम इन कैल्क इज नॉट इनफ वाइड इनफ टू डिस्प्ले द वैल्यू तो अगर आपने अपनी जूनियर क्लासेस में कैल्क यानी कि नाइन टेंथ में कैल्क पढ़ा है इवन एम एस एक्सएल भी पढ़ा है अगर सिक्स सेवन्थ एट्थ में तो भी वहाँ पे ये चीज़ होती थी ये वाला एरर आपको दिया होता था कि अगर कॉलम बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है तो वैल्यू उसमें डिस्प्ले नहीं हो पाती है सो so, अगर जो भी वैल्यू है उसकी लेंथ ज़्यादा है वो ज़्यादा लेंथ का है इन कंपेरिज़न टू कॉलम विथ तो आपका क्या एरर आता है देर इज़ अ हैश हैश एरर तो आपके फोर हैश आ जाएंगे सो so, ये आपको लिखना है नेक्स्ट इज डैश इज अ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आई थिंक ये क्वेश्चन या तो एम सी क्यू टाइप होना चाहिए था कि इसमें कुछ आपको ऑप्शन दिए होने चाहिए थे क्योंकि यहाँ पे लिखा है डैश इज नॉट अ कंपोनेंट तो हम तो यहाँ पे कुछ भी आंसर लिख सकते हैं सो so, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ मिस प्रिंट है या रॉन्ग क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चन है इंडिविजुअल्स हु फोकस ऑन डेवलपिंग सॉल्यूशंस दैट बेनिफिट द सोसाइटी आर कॉल्ड सो ऑब्वियसली इसका आंसर है ऑन्टरप्रन्योर्स सो so, ऐसे लोग जो डेवलप करते हैं सॉल्यूशंस जिससे कि सोसाइटी को बेनिफिट होता है सो दे आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट इज ग्रीन स्किल्स आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन सो इट्स आंसर विल बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मार्किंग स्कीम में इसका आंसर दिया है एंड फॉर प्रमोटिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तो अगर आपने ग्रीन स्किल पढ़ी है तो उसमें सारा कुछ जो भी है उसकी थीम वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस्ड है सो so, उसके 17 गोल्स भी हैं आप कोई भी एक गोल भी लिख सकते हैं बट मेन जो उसका गोल है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो इट्स आंसर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये ये आपके जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में से हैं जहाँ पर आपको सेवन में से फाइव अटैम्प्ट करने हैं साइज ऑफ डबल डेटा टाइप इन जावा इज़ 64 बिट। बेट सो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमेटिव डेटा टाइप जो जावा के हैं इसमें आपको सारे डेटा टाइप दिए तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि वट आर द डिफरेंट प्रव डेटा टाइप्स इन जावा तो आपको ये सारे डेटा टाइप भी पता होने चाहिए और इनका साइज़ भी पता होना चाहिए लाइक बाइट जो है वो एट बेट की है शॉर्ट जो है वो सिक्सटीन बेट का है इंट थर्टी टू बेट लॉन्ग सिक्सटी फोर फ्लोट थर्टी टू डबल सिक्सटी फोर सो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि लॉन्ग एंड डबल आर ओ सिक्सटी फोर बेट फ्लोट एंड एंड थर्टी टू बेट ओके सो मतलब मेनली ये कहना है कि आपको इनके साइज पता होना चाहिए इनके क्वेश्चन आ सकते हैं वट इज़ प्रिमेटिव डेटा टाइप डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है वट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स के नेम भी पूछे जा सकते हैं और इनका साइज भी आपको लर्न होना चाहिए नेक्स्ट ये भी इजी क्वेश्चन है डैश इज अ स्पेशल मैथड एवरी जाबा एप्लीकेशन मस्ट हैव तो ऐसा कौन सा मेथड है जो आपका मस्ट होना ही होना चाहिए जाबा एप्लीकेशन में दैट इज़ मेन क्योंकि आपका जो प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करता है वो मेन मेथड से ही स्टार्ट करता है तो मेन मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे हमने देखा कि हमें फोर अटेम्प्ट करने थे तो ईजी ऐसे ईजी क्वेश्चन होंगे जो आप इजीली अगर आपने पढ़ा है ना तो आप फोर मतलब जो भी चॉइस है उसमें से आप अटेम्प्ट कर ही लेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मोटिवेशन वाला ईजी था ये एरर वाला भी ईजी था एंड ग्रीन स्किल ईजी था ये इंडिविजुअल वाला था वैसे इस सैम्पल पेपर में इन लोगों ने क्वेश्चन बहुत ईजी रखे हैं बट एग्ज़ाम में इतने ईजी आते नहीं हैं नेक्स्ट इज चूज़ द करेक्ट माई स्किल कमांड टू डिस्प्ले फाइव परसेंट ऑफ़ द सैलरी एज अलाउंस सो हमें क्या करना है डिस्प्ले करना है सो ऑब्वियसली सेलेक्ट क्वेरी लगेगी देन फाइव परसेंट ऑफ़ द सैलरी फाइव परसेंट को हम कैसे लिख सकते हैं फाइव अपॉन हंड्रेड जिसको हम ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव भी लिख सकते हैं सो so, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव नहीं दिया है ये जो है क्वेश्चन अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक एरर है इस क्वेश्चन में यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव होना चाहिए था ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको सैलरी कॉलम को सो so, यहाँ पे आते हैं ये दो हैं जिसमें सैलरी मल्टीप्लाई हुई है जीरो पॉइंट फाइव से तो लेट्स से कि ये जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव है तो अब इन दोनों में से कौन होगा से ही ऑप्शन सो so, यहाँ पे रीनेम एज अलायंस है हमें जो फाइव परसेंट ऑफ सैलरी है वो एज अलायंस कॉलम में डिस्प्ले uh, करना है तो यहाँ पे रीनेम एज अलायंस गलत स्ट्रक्चर है गलत सेंटेक्स है क्वेरी का सही क्या है कि एज़ यूज़ होता है सिर्फ एज अलायंस फ्राम टीचर टेबल सो दिस बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऐसे ही यहाँ पे डी ऑप्शन भी था बट इन्होंने क्या किया सैलरी प्लस सैलरी इंटू जीरो पॉइंट फाइव क्या है कि सैलरी में जितना इंक्रीज हुआ है टोटल सैलरी आफ्टर इंक्रीज डिस्प्ले की है सो so कंफ्यूज नहीं होना है हमें सिर्फ फाइव परसेंट ऑफ सैलरी डिस्प्ले करने के लिए कहा है तो हमें बी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे आर प्रोग्रामर्स हु कोड इन हाई लेवल लैंग्वेजेज सो आंसर इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर नेक्स्ट इज वट इज़ बाइट कोड अगेन इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये आपके प्री बोर्ड में और नॉर्मली टेस्ट में भी पूछा होगा वट इज़ अ बाइट कोड सो जावा कंपाइलर क्या करता है uh, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उसे सीधे मशीन कोड में ना कन्वर्ट करके पहले बाइट कोड में करता है जावा बाइट कोड एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या हम इसे जावा क्लास फाइल भी बोलते हैं जिसको जावा इंटरप्रेटर दैट इज जावा वर्चुअल मशीन किस में कन्वर्ट करता है मशीन कोड में रन कर कन्वर्ट uh, करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है या फिर रन करता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दीज आर रियल टाइम लेक्चर्स वेयर यूजर पार्टिसिपेट इन द लेक्चर एंड मे आस्क क्वेश्चन एंड देर गेट their queries आंसर्ड ये क्वेश्चन आपका यूनिट टू से है और इसका आंसर है वेबिनार वेबिनार आर द रियल टाइम लेक्चर्स वेयर यूजर पार्टिसिपेट इन द लेक्चर एंड मे आस्क क्वेश्चंस एंड गेट देयर क्वेरीज आंसर्ड नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन द स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन ये आपका लास्ट यूनिट का क्वेश्चन है और स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन क्या होता है कि हम एप्लीकेशन के क्या गोल्स हैं क्या लिमिटेशन है एप्लीकेशन आपका क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं ये सारी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन की कि इन्होंने अगेन यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन आ गई है कि अगर जैसे हमें ब्लू प्रिंट में बोला है कि सिक्स में से फोर करने हैं तो हम सोचेंगे कि सिक्स सारी यूनिट्स आएंगे और इसमें से कोई फोर करने हैं बट उनमें फिर लिमिटेशन हो गई कि एक एक सेट सिक्स का है फिर एक सेट सिक्स का है सो so, यहाँ पर थोड़ा सा चॉइस में चॉइस अटम्प्ट करने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है क्योंकि लिमिटेशन है कि इस सेट ऑफ क्वेश्चन में से हमें कोई भी सिक्स करना है अगर ये टोटल सारा एक ही सेट होता तो हम इजीली कोई से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे कि मतलब सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक ही सेट होता अगर नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नेम वन फ्रंट एंड एंड वन बैक एंड एप्लीकेशन टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन सो वेब एप्लीकेशन हम यहाँ पे नेटबीन से क्रिएट कर रहे हैं सो फ्रंट एंड क्या होता है जो यूज़र प्रोग्रामर यूज़ करता है एप्लीकेशन बनाने के लिए राइट right? तो हम जैसे सॉफ्टवेयर किसके थ्रू बना रहे हैं की आ, के थ्रू तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो है यहाँ पे जावा नेटबिंस हम यूज़ कर रहे हैं आप कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन लिख सकते हैं लाइक ड्रीम वीवर भी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है राइट right? ऐसे ही वन बैक एंड एप्लीकेशन बैक एंड एप्लीकेशन मतलब जो डायरेक्टली यूज़र को नहीं दिखती है बैकएंड एप्लीकेशन मेनली लाइक डेटा बेस जैसे डेटा बेस क्रिएट करने के लिए जो भी एप्लीकेशन यूज़ होती है वो उसको हम बैक एंड एप्लीकेशन कहते हैं तो यहाँ पे हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं एसक्यू एल सो माई एसक्यूएल इज़ अ बैक एंड एप्लीकेशन और नेट बीन्स इज़ अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन डैश लूप रन लीस्ट वंस तो हमने बहुत सारे लूप पढ़े हैं इसमें थ्री टाइप्स ऑफ लूप फॉर लूप डू वाइल एंड वाइल लूप सो फॉर लूप और वाइल लूप में क्या होता है स्टार्टिंग में ही आपकी कंडीशन चेक हो जाती है और उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है जबकि डू वाइल क्या होता है पहले एक बार बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक होती है सो so, इसका आंसर है डू वाइल तो लूप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे फाइंड द आउटपुट वाले क्वेश्चन भी आते हैं और नॉर्मली आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं नेक्स्ट इज डैश क्लॉज इज़ यूज टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज सो ये एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन है डेटाबेस वाला सो so, इसका आंसर है डिस्टिंक्ट सो डिस्टिंक्ट क्लॉज से क्या होता है आपकी जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं नेक्स्ट इज वट इज़ एन ई तो वन मार्क्स का क्वेश्चन है आप इसको सिंपली इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान और चाहे तो एक लाइन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट टू और यूनिट टू में बहुत सारी एब्रीविएशंस हैं तो आपको सारी जितनी भी एब्रीविएशन हैं सबका फुल फॉर्म लर्न होना चाहिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट इज़ टू चेक दैट डेटा एंटर्ड इन वन रिलेशन इज कंसिस्टेंट विद द डेटा एंटर्ड इन अनदर रिलेशन कंसिस्टेंट मतलब मैच होना चाहिए अगर एक टेबल है मार्क्स वाली और दूसरी एक और टेबल है जिसमें स्टूडेंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन विद मार्क्स लिखे हैं तो सिर्फ एक जो मार्क्स टेबल और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो दोनों टेबल में क्या होना चाहिए मार्क्स आपके मैच होने चाहिए एंड इसके लिए हम कौन सा कॉन्स्टेंट यूज करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट या फिर आप इसको फॉरेन की कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंडिंग ऑफ बग्स एंड फिक्सिंग दैम हैपन्स इन डैश फेज तो हम किस में बग्स किस में एरर्स निकालते हैं और उन्हें फिक्स करते हैं दैट इज टेस्टिंग फेज नेक्स्ट दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी वंस द क्लास इज डिफाइंड वी कैन क्रिएट डैश ऑफ द क्लास एंड एक्सेजर्स मैम्बर सो एक बार अगर हमने क्लास बना दी है उसके बाद हम इजीली उसके क्या क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस क्लास के मेंबर्स को यूज कर सकते हैं नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें अगेन सिक्स में से आपको फाइव करने हैं मिस्टर सागर आपका क्या कर रहे हैं एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ऑनलाइन हेल्प मिस्टर सागर इन चूजिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड फर्स्ट वन ऑप्शन इज़ प्रोवाइड हिज डिटेल्स तो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए हम पहले डिटेल बैंक अकाउंट में नहीं लॉग इन करते हैं पहले हम क्या करते हैं अपना जो भी हमें खरीदना है जो भी प्रोडक्ट है वो शॉपिंग कार्ड में ऐड करते हैं फिर बाय ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं देन पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हमें बैंक में लॉग इन करना होता है बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी होती है तो इसका जो करेक्ट है वो क्या है बी डी देन सी ए बी डी सी ए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको सिचुएशन दी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड करना होता है नेक्स्ट वाइल एंट्रिंग द डेटा इन द टेबल सीमा इज नॉट अलाउड टू लीव द कॉलम एज एज ब्लैंक इन द टेबल तो कॉलम है एक एज जिसमें हम किसी भी रो को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते किसी भी वैल्यू को हमें क्या करना है सेल को ब्लैंक नहीं छोड़ना है तो इसके लिए कौन सा कॉन्स्टेंट लगता है दैट इज़ नॉट नल कॉन्सटेंट नेक्स्ट इज मैंशन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट ये आपका लास्ट यूनिट से क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट की कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है सो लाइक प्रोजेक्ट हैज़ अ डेड लाइन या फिर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग फेज होता है और एक एंडिंग फेज भी होता है तो इस तरीके से आपको कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक बताना है प्रोजेक्ट का नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट ट्रू और फॉल्स बाइनरी मैथर्ड इज यूज टू अरेंज एन एरे ऑफ इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स हेयर हमें शॉर्टिंग करने के लिए सॉर्ट मैथड यूज करना होता है एरे ऑफ इंटीजियर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इट मीन शॉर्टिंग करनी है और उसके लिए शॉर्ट मैथड यूज़ होता है नॉट बाइनरी मैथड नाव नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द रिलेशन नाव नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको आउटपुट फाइन करना है ये आपको एक एरे दिया है डबल टाइप का दैट इज़ क्वान्टिटी एरे क्यू टी वाई और आपको यहाँ पे ये एरे में वैल्यूज़ दिए हैं आपको क्या प्रिंट करना है क्यू टी वाई का थर्ड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट मतलब यहाँ जो थर्ड इंडेक्स पे ये इंडेक्स होता है तो यहाँ पे इंडेक्स स्टार्ट होता है आपका ज़ीरो से ज़ीरो वन टू थ्री तो यहाँ पे जो क्यू टी वाई एरे है इसका थर्ड एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है दैट इज़ सिक्स पॉइंट फाइव तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा वो 6.5 आएगा हाउ एवर इन मार्किंग स्कीम आपको जो आंसर दिया है वो 13 दिया है और वो रॉन्ग है तो इसका जो आउटपुट होगा आप खुद इस कोड को रन करके देख सकते हैं आउटपुट विल बी 6.5 क्योंकि ये थर्ड इंडेक्स पे हमें जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट करने हैं और इंडेक्स आपका जीरो से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट वन फिफ्थ क्वेश्चन स्टेच्यू और फॉल्स डेटा कनेक्टिविटी इज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन फ्रंट एंड इंटरफेस एंड बैक एंड डेटा बेस हमें क्या करना है डेटा को कनेक्ट करना है यानी कि डेटा बेस को कनेक्ट करना है विद फ्रंट एंड एप्लीकेशन और ये कौन सी फेज में होता है इंप्लीमेंटेशन फेज में ही होता है इसलिए ये ट्रू है नाउ नेक्स्ट वन वंस द डेटा बेस इज क्रिएटेड यू कैन चेक इट इन द लिस्ट ऑफ द डेटा बेस डेट करेंटली एग्जिस्ट ऑन द सर्वर बाय यूजिंग डैश कमांड तो हमें क्या करना है डेटा बेस क्रिएट हो गया अब हमें सारे लिस्ट ऑफ जो भी डेटा की सारे जो भी डेटा बेस हैं उनमें चेक करना है कि हमारा डेटा बेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है यानी कि हमें लिस्ट ऑफ डेटा बेस डिस्प्ले करना है सो so, किस कमांड से होता है शो डेटा बेस नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू राइट अ स्क्विल स्टेटमेंट दैट सेलेक्ट्स ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट मतलब डिस्प्ले ही तो हमें क्या करना है डिस्प्ले करना है तो हम सेलेक्ट क्वेरी लगाएंगे और सारे प्रोडक्ट करना है तो सेलेक्ट प्रोडक्ट्स फिर आता है आपका फ्रॉम टेबल नेम इस प्रोडक्ट तो फ्राम प्रोडक्ट यहाँ पर हम टेबल नेम लिखते हैं वेयर प्राइस बिटवीन ये कंडीशन है विद प्राइस बिटवीन टेन एंड ट्वेंटी तो हम लिखेंगे वेअर प्राइस प्राइस कॉलम में कंडीशन लग रही है और बिटवीन के लिए बिटवीन कीवर्ड ही आता है बिटवीन टेन एंड ट्वेंटी एंड देन सेमी कॉलन वैसे नॉर्मली ऐसे आपको डायरेक्टली माई स्कूल जो स्टेटमेंट है वो वन मार्क्स में ऐसे डायरेक्टली लिखने को नहीं आता एम सी क्यू उसके फॉर्म में आता है बट मे बी सैम्पल पेपर में इस बार ऐसे दिया है तो आपका पूछा भी जा सकता है नेक्स्ट इज जावा इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज जस्टिफाई द स्टेटमेंट सो येस जावा क्या है आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है वो क्या करती है डिफ्रेंशिएट करती है डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर एंड लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स तो अगर आपने मेन ऐसे लिख दिया तो ओबियसली आपका क्या आएगा एरर आएगा क्योंकि आपका मेन जो है स्मॉल में डिफाइंड है ऐसे ही आप सिस्टम डॉट आउट एस कैपिटल लिखते हैं अगर आपने स्मॉल लिखा तो क्या आएगा आपका एरर आएगा तो आपको बस इतना ही लिखना है कि येस इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज बिकॉज इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अ डैश इन द जावा इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस सो ये आपने पढ़ा होगा कि पैकेज क्या होता है जावा में एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास है नाउ नेक्स्ट इज विच कंपोनेंट इज यूज टू कंपाइल डिबक एंड एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम सो so, वैसे हमने जे वी एम पढ़ाया कि जे वी एम क्या करता है एग्जीक्यूट करता है जावा बाइट कोड को बट यहाँ पे क्या है कि कंपाइल डिबर्क एंड एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम और इसका आंसर है जे डी के बट जे डी के आपके बुक में नहीं है स्टडी मटेरियल में नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए पेपर में ओके okay, और वैसे तो चॉइस आती है तो ओबियसली ये स्टार्टिंग के फाइव क्वेश्चन बहुत ईजी हैं सो इसको हम वैसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारी बुक में नहीं है ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ द फुलग इज़ एन इनवेलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन सो इन वैलिड पूछा है हमें पता है कि कभी भी जो वेरिएबल है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होता तो दिस वन विल बी द इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन नाउ नेक्स्ट इज डैश मैथड टेक्स अ स्ट्रिंग एज पैरामीटर एंड रिटर्न द इक्वलेंट इंटीजर तो हमें मैथड जो कि स्ट्रिंग को ले और किसमें कन्वर्ट करे उसके इक्वलेंट इंटीजर में तो इसके लिए मेथड होता है आपका पार्स इंट ऐसे ही पार्स डबल भी होता है जो किसमें कन्वर्ट करता है डबल में ऐसे पार्स फ्लोट होता है जो कन्वर्ट uh, uh, करता है स्ट्रिंग पैरामीटर को इनटू फ्लोट डेटा टाइप नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस पोर्टल इज अ वन पॉइंट सोर्स टू एक्सेस ऑल इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट एट ऑल लेवल्स एंड फ्रॉम ऑल सेक्टर्स सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट टू और इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डायरेक्टरी सो आपको इसका जो यू आर एल है वो भी लर्न होना चाहिए नेक्स्ट इज रीमा वट्स टू अरेंज नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन स्टूडेंट टेबल एंड वी हैव टू गिव माई स्कूल कमांड टू क्रिएट अ सॉर्टेड लिस्ट सो यहाँ पर हमें क्या करना है डिस्प्ले करना है स्टूडेंट्स का नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सेलेक्ट हमें नेम्स डिस्प्ले करना है सो लेट्स से कि नेम्स ही आपका कॉलम है नेम्स फ्रॉम टेबल नेम आपको दिया है यहाँ पे स्टूडेंट टेबल सो फ्रॉम स्टूडेंट अब हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग या सॉर्टिंग करनी होती है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो सबके लिए एक ही कीवर्ड है ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय एंड देन द कॉलम नेम जिसके अकॉर्डिंग हमें शॉर्टिंग करनी है तो यहाँ पे हमें किसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करनी है नेम्स के अकॉर्डिंग ही शॉर्टिंग करनी है ऑर्डर बाय नेम्स देन सेमी कॉलन सो दिस इज द क्वेरी नेक्स्ट इज डैश इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन सो यहाँ पे राउंड जो है वो आपका एग्रीट फंक्शन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू गिव ओनली वन बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन रिजर्वेशन सो लाइक इट इज टाइम सेविंग आप लिख सकते हैं इट से नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सो फर्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी थ्री और ये क्वेश्चन जो है आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन है फाइव में से हमें थ्री अटेम्प्ट करने हैं एंड वर्ड लिमिट भी दिया आपको एनी टू मैथर्स टू डील विद स्ट्रेस तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से है ये तो आप लिख सकते हैं लाइक स्टे पॉजिटिव फॉर डीलिंग विद स्ट्रेस फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ योगा मेडिटेशन फिजिकल एक्सरसाइज ईट हेल्दी हैव अ प्रॉपर स्लीप ना तो कुछ भी दो तो मैथड लिख सकते हैं फॉर डीलिंग विथ स्ट्रेस नाउ एसेंशियल कम्पोनेंट ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन तो आपने सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन पढ़े होंगे आप उनमें से मैंशन कर सकते हैं लाइक करेक्ट कॉन्साइज क्लियर राइट करटीसी या फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी कोई भी दो कम्पोनेंट जब जब भी आपको टू मार्क्स के क्वेश्चन uh, मिलेंगे तो आप वहाँ पर टू पॉइंट्स मेन्शन कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाइक like, हैविंग गुड कमांड इन लैंग्वेज वोकेबलरी यूजिंग सिंपल वर्ड्स सिंपल सेंटेंसेस इस तरीके से आप खुद से भी आंसर फ्रेम कर सकते हैं नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इको फ्रेंड फ्रेंडली कंज्यूमरिज्म हाउ डज़ कॉन्शियस कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस मार्केट ट्रेंड एंड एंकरेज सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिस सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इको फ्रेंडली कंज्यूमरिज्म होता क्या है कंज्यूमर ऐसी चीज़ें परचेज करे, करें ऐसी डिमांड क्रिएट करें प्रोडक्ट्स की जो इको फ्रेंडली हो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो आपको इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है इन टू पॉइंट्स नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन राइट डाउन द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर स्प्रेडशीट इन कैल्क सो आपका टूल्स मेन्यू में जाके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन आता है वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद पासवर्ड डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होता है उसमें आपको पासवर्ड पुट करना है कौन सी शीट में पासवर्ड लगाना है वो शीट सेलेक्ट करनी है एंड देन क्लिक ऑन ओके तो इस तरीके से आपको स्टेप्स मेंशन करने हैं नाउ नेक्स्ट वन व्हाट आर द टू मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑन्टरप्रेन्योर सो फंक्शंस कैन बी लाइक टेकिंग एक्शंस बेस्ड ऑन द आइडियाज़ प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द सोसाइटी प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल एंड सेटिंग अप द बिजनेस प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर द बिजनेस ये सारे जो हैं फंक्शंस में आ सकते हैं ऑफ द आंट्रप्रन्यर नाउ नेक्स्ट इस कोड बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपके फाइव क्वेश्चन है जिसमें से कि आपको थ्री अटेम्प्ट करने हैं ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के क्वेश्चन है नाउ वी विल सॉल्व दिस कोड ये जो भी कोड दिया और इसका आउटपुट हमें प्रोडिक्ट करना है सो so, ये कोड आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मेन लिखा है तो मेन से आपका कोड सॉल्व होना स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से ये क्लास है मेन हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं अपना कोड यहाँ पे आपको डे दिया है फोर और ये स्विच स्टेटमेंट है तो स्विच कैसे वर्क करता है यहाँ पर डे की वैल्यू आएगी फोर अब ये सीधे केस की वैल्यू मैच करेगा जहाँ पे भी फोर है वहाँ उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो ये केस मैच नहीं हुआ तो इस केस को नहीं एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट केस भी आपका मैच नहीं हुआ फोर से तो ये भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी केस ऐसा नहीं है जो इससे मैच हो रहा हो फोर से तो ये कहाँ जाएगा डिफॉल्ट में तो अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती है, तो ये सीधे डिफॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और आपके डिफॉल्ट में क्या है लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड तो आपका जो आउटपुट है ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्या करता है आपका आउटपुट डिस्प्ले uh, करता है तो आउटपुट में क्या आर्ग्यूमेंट है लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड ये मैसेज जो है आपका आउटपुट में आ जाएगा सो so यहाँ पे आउटपुट विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसक्यूएल बेस्ड एक्सप्लेन ड्रॉप टेबल विथ कैसकेट कमांड तो ड्रॉप टेबल मतलब टेबल क्या हो जाएगी डिलीट हो जाएगी और कैस्केड मतलब कि ये टेबल अगर कोई और टेबल इसको रेफ़र कर रही है इट मीन्स कि कोई भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट है इससे रिलेटेड कोई भी कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा आपका डिलीट हो जाएगा नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनी टू ऑपरेशंस पर्फॉर्मड ऑन डेटाबेस सो बहुत सारे डेटाबेस के ऑपरेशंस हैं लाइक डिफाइनिंग द डेटाबेस मैन्यपुलेटिंग द डेटा बेस पॉपुलेटिंग द डेटा बेस प्रोटेक्टिंग डेटा बेस शेयरिंग डेटा बेस तो हमें यहाँ पे क्या करना है कोई से भी दो हमें एक्सप्लेन करने हैं तो लाइक अगर हम शेयरिंग डेटा बेस की बात करें तो ये बहुत ईजी है कि मल्टीपल यूजर्स क्या कर सकते हैं उस डेटा बेस को सेम टाइम में यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही प्रोटेक्टिंग डेटा बेस कि कोई भी उस डेटा बेस में चेंजेस ना कर पाए इसलिए हमें क्या करना होता है डेटा बेस को प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करना होता है नेक्स्ट अ हॉस्पिटल इज मेकिंग अ डेटा बेस ऑफ इट्स डॉक्टर एंड पेशेंट डॉक्टर इंक्लूड्स डॉक कोड आई डॉक नेम एंड डिपार्टमेंट तो ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है कि आपको एक टेबल के आ, आपको कॉलम नेम दिए होते हैं बाकी की आपको क्या करना होता है एक और टेबल की आपको स्कीमा पूछी होती है स्कीमा मतलब वही कि कॉलम नेम और उनका डेटा टाइप पूछा होता है सो so, स्कीमा लिखने के लिए हमें क्या करना होता है टेबल का नेम लिखते हैं हम पेशेंट टेबल है यहाँ पर देन इनसे रिलेटेड आप जो भी कॉलम बनाना चाहते हैं यू विल राइट देट लाइक पेशेंट आई डी पेशेंट का नेम हो सकता है देन पेशेंट का फ़ोन नंबर हो सकता है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ठीक है तो अब आप कॉलम नेम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपके कॉलम को डिफाइन करें अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करेंगे लास्ट में कॉलम का डेटा टाइप और उसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज़ आई डी ऑफ पेशेंट और ये इंटीज़र डेटा टाइप की होगी ठीक है तो इस तरीके से आपको क्या करना है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एरर एंड रीड राइट द करेक्ट कोड तो हमें इसमें से एरर फाइंड करना है और इस कोड को दोबारा लिखना है करेक्ट करके सो so, यहाँ पे वाइल्ड लूप यूज़ हुआ है आपको वाइल्ड लूप का सेंटेक्स पता होना चाहिए सबसे पहले क्या होता है वेरिएबल इनिशलाइज होता है तो वेरिएबल का हम डेटा टाइप देंगे इंट i इक्व टू इक्व टू यूज़ नहीं होगा क्या होगा i इक्व टू ज़ीरो सो करेक्ट करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट i इक्वस टू ज़ीरो तो एक एरर यहाँ पर यह था कि इसको हमने डेटा टाइप नहीं बताया था और यहाँ पे इक्वल्स टू आपका एक्स्ट्रा लगा है ये कंपेरिजन के लिए होता है यहाँ पे जबकि हमें क्या करना है वैल्यू असाइन करनी है आई को ज़ीरो उसके बाद वाइल कीबोर्ड देन आई लेस देन फाइव सही लगा कि आई जब तक लेस देन फाइव है तब तक चले उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो रहा है आई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई तो ये जो स्टेटमेंट होता है ये सेमी कोलन से टर्मिनेट होना चाहिए तो यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाया आई प्लस प्लस ये करेक्ट है यहाँ पे बट यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट तो हुआ है बट यहाँ करली ब्रेसेस एंड नहीं हुआ है तो करली ब्रैकेट हम एंड भी कर देंगे इसमें ये एरर्स थे तो इस तरीके से आपको रिमूव करके इन्हें करेक्ट करके लिखना है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द कोड इन जावा यूजिंग अ लूप टू प्रिंट येस फाइव टाइम्स हमें क्या करना है येस फाइव टाइम्स प्रिंट करना है तो ओब्वियसली जब हमें प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल इन तो ये ईजी क्वेश्चन है ये कि आपको फिल करना है यहाँ पे जो भी सिंटेक्स है तो यहाँ पे देखिए इनिशलाइज भी एक ही लाइन में हो रहा है और कंडीशन भी चेक हो रही है तो ये कौन सा लूप है फॉर लूप तो अगर आपने लूप्स पढ़े हैं तो ईजिली आपको पता चल जाएगा ये फॉर लूप है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन और इनिशलाइजेशन एक साथ ही हो रहा है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी जो है इसी लाइन में हो रहा है तो फॉर एंड टाई क्वेश्चन जीरो आई लेस देन फाइव आई प्लस प्लस और आपको यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लिखना है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रीना वॉन्ट्स टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय Whose name starts from S? Again, we have to find the error in this SQL command. So यहाँ पे select asterisk. ये तो सही है हमें सारे employees की details सारी details आपको display करनी है तो asterisk आ गया from employees the table टेबल तो table हो गया where अब यहाँ पे condition condition हमारी name पे ही लगी है name लाइक like. तो जब भी हमें पैटर्न मैच करना होता है कि कोई भी कॉलम का जो टेक्स्ट है वो किसी पैटर्न से मैच हो रहा है तो हम यहाँ पे लाइक की वर्ड यूज़ करते हैं और एस से स्टार्ट हो रहा है पीछे कुछ भी हो सकता है कैरेक्टर्स तो उसके लिए परसेंटेज आता है एस्ट्रिक तो कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स के लिए आते हैं यहाँ पे हमें क्या है पीछे कितने भी नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हो सकते हैं तो परसेंटेज आएगा एंड इट विल बी इनसाइड द कोट्स तो यहाँ पे एरर यही है कि एस परसेंटेज लगा होना चाहिए था नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफाई दीज कमांड्स इनटू डीडीएल और डीएमएल तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपने पढ़े होंगे डी डी एल कमांड और डी एम एल कमांड यहाँ पे अपडेट और डिलीट जो है आपका डी एम एल है और क्रिएट एंड ऑल्टर जो है डेटा डेफिनेशन को चेंज करता है तो डी डी एल है अब ये जो क्वेश्चन है लास्ट यूनिट से है और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इन एजुकेशन इन बैंकिंग इन रेलवेज ना तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग में डेटा बेस का क्या यूज़ होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का लाइक like कस्टमर की इन्फॉमेशन सेव करना एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन सेव करना जो भी अमाउंट ऑफ लाइक सेविंग का अमाउंट है या लोन का अमाउंट है इन सब की डिटेल्स सेव करना ये सब किसके थ्रू होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ सिंगल जावा कोड यूजिंग स्ट्रिंग मैथड तो ये स्ट्रिंग मैथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्ट्रिंग मैथड आपको पता होने चाहिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है जिसमें क्लास ट्वेल्थ आपकी स्टोर है आपको कन्वर्ट करना है इन सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में तो इसके लिए आपका जो मैथड होता है दैट इज टू अपर केस और इसके आगे हम वेरिएबल यूज करेंगे सी एल डॉट टू अपर केस नाउ फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो इसके लिए होता है लेंथ फंक्शन लेंथ मैथड होता है तो सी एल डॉट लेंथ नेक्स्ट हमें क्या करना है टॉपर्स वर्ड ऐड करना है इसके इसके एंड में ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है क्लास ट्वेल्थ तो हमें क्लास ट्वेल्थ टॉपर्स बनाना है इस वर्ड को तो लास्ट में अगर आपको कुछ भी वर्ड ऐड करने होते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन होता है मैथड होता है कॉन्केट और उसके अंदर हम लिख देंगे टॉपर्स आर्ग्यूमेंट दे देंगे यानी कि हमें टॉपर्स वर्ड जो है कॉन्केट करना है इस स्ट्रिंग में और ये सारे के सारे आपके जावा कमांड है जावा इंस्ट्रक्शंस है तो इनके एंड में क्या आता है सेमिकुलर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द पर्पज़ ऑफ अ कंस्ट्रक्टर सो so, कंस्ट्रक्टर क्या होता है इट इज़ अ मैथड जिसको जिसका जो नेम होता है वो क्लास नेम के ऊपर ही होता है मतलब एस एम एस क्लास नेम होता है और इसका पर्पस क्या होता है जो भी क्लास के डेटा मेंबर्स हैं उन्हें इनिशियलाइज करना नाउ नेक्स्ट इज नेम टू ई कॉमर्स वेबसाइट तो बहुत इजी क्वेश्चन है लाइक फ्लिपकार्ट एमेज़ॉन मिंत्रा कुछ भी लिख सकते हैं आप ई कॉमर्स वेबसाइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है एक तो यहाँ पे यहाँ पे ये यह नहीं लिखा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन बट स्टिल ठीक है यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पे है वन टू थ्री फोर यहाँ लिखा है बोथ ए एंड बी तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए सिक्स टू एट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स करेक्ट है स्पेशल सिम्बल करेक्ट है ओनली नंबर्स ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये गलत है ना कि सिर्फ नंबर्स हो तो बोथ ए एंड बी तो एक्चुअली आंसर इज़ बोथ ए एंड बी ना नेक्स्ट इज वट आर द चैलेंजेज इन ऑनलाइन लर्निंग तो ओबियसली इट कैन हैव बैड इफ़ेक्ट ऑन आर हेल्थ अगर बहुत टाइम तक का हम बैठे हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस में तो क्या होगा पॉस्चर पर आइज पे, पे नेगेटिव इफेक्ट होगा एंड समटाइम्स इट कैन भी बोरिंग ऑल्सो ना तो बहुत लंबे ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पर पढ़ने पर हो सकता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या हो नहीं आए और टेक्निकल uh, इश्यूज हो सकते हैं कभी इंटरनेट का इश्यूज हो, हो सकता है कभी कंप्यूटर या डिवाइस में इशू हो सकता है तो ये सारे आप चैलेंजेस लिख सकते हैं नेक्स्ट इज़ नेम द यूज़र डिफाइंड मैथड इन द कोड गिवन बिलो यूज़र डिफाइंड जो यूज़र ने डिफाइन किया हो सिस्टम या फिर uh, जो भी जावा का प्री डिफाइंड मैथड ना हो हमसे कह रहा है कि यूज़र डिफाइंड मैथड बताना है ऑल्सो प्रिडिक्ट द आउटपुट तो इसमें यूज़र डिफाइंड मैथड क्या है माई मैथड ये यूज़र ने डिफाइन किया है तो हम लिखेंगे माई मैथड इज द यूजर डिफाइंड मैथड और इसका आउटपुट तो आउटपुट के लिए क्या करते हैं मेन फंक्शन देखते हैं मेन मैथड कहाँ पर वहाँ से हम अपना जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्राम में क्या प्रिंट हो रहा है माई मैथड थ्री तो ये जो माई मैथड यूज़र मैथड है यूज़र डिफाइंड मैथड है इसको कॉल हो रहा है और वैल्यू क्या पास हो रही है थ्री तो जैसे ही इसको कॉल हुआ तो ये जाएगा यहाँ इस मैथड में ये मैथड इन्वोक होगा और इसमें वैल्यू पास हो रही है थ्री सो यहाँ पर रिटर्न क्या हो रहा है फाइव प्लस थ्री इट मीन्स एट तो एट यहाँ पे इसके पास रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या होगा एट एट रिटर्न हुआ और ये प्रिंट हो रहा है सो आउटपुट विल बी एट एक्सप्लेन एनी टू एक्सेस मॉडिफायर एक्सेस मॉडिफायर आपने पढ़ा होगा पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड तो हमें कोई भी टू एक्सप्लेन करना है पब्लिक मतलब अगर हमने क्लास uh, को पब्लिक डिक्लेयर किया है या उसके डेटा मेंबर्स को मेथड्स को क्या किया है पब्लिक किया है तो कोई और क्लास भी उसे क्या कर सकती है एक्सेस कर सकती है और अगर वहीं पे वो मेंबर्स प्राइवेट हैं तो दूसरी क्लास उसे एक्सेस नहीं कर सकती नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्शन तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग ठीक है एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग ये पूरा ही जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आता ही आता है सो so, एक्सेप्शन क्या होता है कोई भी ऐसी सिचुएशन कोई भी ऐसा एरर प्रोग्राम में आ जाए जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यानी कि जब प्रोग्राम रन हो रहा है और उस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि प्रोग्राम आपका रुक जाए टर्मिनेट हो जाए सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्शन अब इसको हैंडल करने के लिए वी यूज ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक ये हम अपनी कोड में यूज़ करते हैं ट्राई ब्लॉक कैच ब्लॉक एंड फाइनली ब्लॉक सो ट्राई ब्लॉक इसलिए यूज़ होता है जो भी कोड जिसमें एक्सेप्शन आना होता है उस कोड को जिसमें हमें डाउट होता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है एक्सेप्शन आ सकता है तो उसे हम ट्राई ब्लॉक में रखते हैं कैच ब्लॉक में हम वो कोड रखते हैं जिसको हमें एग्जीक्यूट करना होता है इन केस एक्सेप्शन आए अगर हमें लगता है कि एक्सेप्शन थ्रू होगा तो उस केस में वो एक्सेप्शन के केस में कैसे हैंडल हो वो चीज़ या कैसे एक्सेप्शन हैंडल हो उस कोड को हम कैच में रखते हैं और फाइनली ब्लॉक में हम ऐसा कोड रखते हैं जो एग्जीक्यूट होना ही होना होता है चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए फॉर एग्जाम्पल हमें फ़ाइल क्लोज करनी है तो उसे हम फाइनली ब्लॉक में रख सकते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम वी वॉन्ट टू क्लोज द कनेक्शन या क्लोज द फ़ाइल तो ऐसी चीज़ें हम फाइनली ब्लॉक में रखते हैं फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होता ही होता है चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए सो इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द ट्राई ब्लॉक ट्राई ब्लॉक क्या करता है ऐसा कोड होता है उसके अंदर जो आपका एक्सेप्शन थ्रो भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है ठीक है तो ऐसे कोड को रखते हैं जिसमें चांसेज हो एक्सेप्शन थ्रो होने के कैच ब्लॉक क्या करता है वो तभी रन करता है जब आपका ट्राई एक्सेप्शन थ्रो करे तो कैच ब्लॉक रन तभी करेगा जब आपका एक्सेप्शन थ्रो हुआ है तो वो उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा उस एरर वाली सिचुएशन को हैंडल करेगा और फाइनली जो है वो तो आपका एग्जीक्यूट होता ही होता है वो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा चाहे एक्सेप्शन हो या ना हो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग टेबल एंड राइट एसक्यूएल कमांड तो ऐसा क्वेश्चन आता ही है जिसमें आपको टेबल्स दी हों और आपको क्वेश्चन दिया हो जिसके लिए आपको एसक्यूएल कमांड लिखनी होंगी सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट इन ईच लोकेशन सो यहाँ पे लोकेशन दिए और हमें क्या डिस्प्ले करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ये दोनों चीज़ें आपकी स्टोर टेबल में ही है तो यहाँ पर सिर्फ स्टोर टेबल यूज़ हो रही है ओनर टेबल नहीं यूज़ हो रही है फर्स्ट क्वेरी के लिए तो हमें क्या करना है डिस्प्ले सो सेलेक्ट सो लाइक ये फोर मार्क्स का क्वेश्चन है तो वन मार्क ईच है यहाँ पे फोर क्वेश्चन हैं आपके फोर पार्ट्स हैं सो वन मार्क वन क्वेरी के ईच uh, क्वेरी के एक एक मार्क्स हैं ठीक है तो अगर आप हाफ़ क्वेरी लिखते हैं आपको पूरी क्वेरी नहीं समझ में आ रही है आपको इतना समझ में आ रहा है कि हमें क्या सिलेक्ट करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो अगर आप लाइक like वेयर जो भी चीज़ें होती हैं आप वो भी लिख देंगे ना तो भी आपके हाफ मार्क्स आएंगे अगर पूरा आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है जितना भी समझ में आ रहा है उतना भी लिखेंगे और वो सही लिखा है तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है इसमें भी सो so, आपको मार्क्स मिलेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ये कॉलम है जो हमें डिस्प्ले करना है कि कौन सी टेबल से करना है फ्रॉम स्टोर पर हमें यहाँ पे एक्चुअली डिस्प्ले क्या करना है हर एक लोकेशन में हर एक लोकेशन में जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं लाइक यहाँ पे डेली में 45 है बट मुंबई दो जगह पे यहाँ पे मेंशन है मुंबई तो इसका क्या होना चाहिए टोटल होना चाहिए इट मींस डेली क्या हमें आउटपुट चाहिए डेली 45 एंड मुंबई 60 प्लस सिक्सटी प्लस फिफ्टी इट मींस वन वन एट तो यहाँ पे आना चाहिए वन वन एट तो यहाँ पे हमें टोटल करना है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन तो टोटल के लिए क्या आता है सम तो यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट सम नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम स्टोर टेबल और जब हमें ऐसे ग्रुप बनाना होता है कि ग्रुप वाइज हमें टोटल करना है लोकेशन वाइज टोटल करना है तो इसके लिए ग्रुप बाय क्लॉज आता है ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है हमें लोकेशन ग्रुप बाय लोकेशन तो इसमें ये क्वेरी होगी नाउ नेक्स्ट वन टू डिस्प्ले स्टोर नेम्स सो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है अगेंस्ट सेलेक्ट जो भी चीज़ें हमें डिस्प्ले करनी है स्टोर नेम के लिए आपका कॉलम नेम है स्टोर नेम लोकेशन एंड डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोर सो यहाँ पर ऐसे डेट ऑफ ओपनिंग तो नहीं है बट क्या है आपका ओपनिंग ईयर तो आप लिखेंगे कॉमा ओपनिंग एयर दैट वर ओपन बिफोर 2015. तो हमें कंडीशन क्या करनी है कि जो भी ओपनिंग ईयर है वो किससे लेस देन होना चाहिए 2015 से तो यहाँ पे आपके जितने कॉलम डिस्प्ले करने हैं वो हो गए अब आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम स्टोर यहाँ पे भी सिर्फ स्टोर टेबल यूज़ हो रही है फ्रॉम स्टोर वेयर कंडीशन हमें यूज़ करनी है वेअर ओपनिंग ईयर इज़ लेस देन टू देन सेमी कॉलन नाउ नेक्स्ट पार्ट टू एड अ न्यू कॉलम सेल ऑफ इंटीजर टाइप तो हमें क्या करना है नया कॉलम ऐड करना है इसमें स्टोर में यहाँ पर लिखा नहीं कौन सी टेबल में बट हम स्टोर में करते हैं अगर आप ओनर में भी करेंगे तब भी कोई रॉन्ग नहीं होगा बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सेल जो है स्टोर में ऐड कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम ऑल्टर इसके लिए आपका की वर्ड होता है कमांड होती है इसके कमांड ऑल्टर टेबल सो ऑल्टर टेबल कौन सी टेबल हमें ऑल्टर करनी है उसका नेम स्टोर देन एड इज अ की वर्ड एड एड की बात आता है आपका कॉलम जो आपको कॉलम एड करना है तो एड सेल एंड देन इंटीजर डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम ऑल्टर टेबल स्टोर एड सेल इंटीजर नाउ द लास्ट वन टू डिस्प्ले स्टोर नेम एंड ओनर नेम अब इसमें क्या हो रहा है आपको ओनर नेम भी डिस्प्ले करना है स्टोर नेम भी तो यहाँ पे दोनों टेबल यूज़ हो जाए तो इस केस में हम क्या लगाते हैं कंडीशन जब दोनों टेबल यूज होती है वेयर स्टोर जो भी कॉलम नेम है देन डॉट इसमें जो आपका कॉमन कॉलम है दोनों टेबल को कनेक्ट करने के लिए एक कॉलम कॉमन होगा सो स्टोर डॉट ओनर आई डी इक्वल्स टू ओनर डॉट ओनर आई एक आपकी जो कंडीशन होगी वो ये होती है ठीक है तो ये आपको याद रखना है जब दो टेबल आपकी यूज़ हो रही होती है तो उनमें एक कॉलम नेम जो होगा वो कॉमन होगा कॉमन कॉलम को आप इस तरीके से लिखेंगे सो लेट्स राइट दिस क्वेरी हमें क्या करना है डिस्प्ले स्टोर नेम एंड ओनर नेम तो हम यहीं पे लिख लेते हैं सेलेक्ट स्टोर नेम कॉलम का नेम भी यही है स्टोर नेम कॉमा ओनर नेम न फ्राम टेबल नेम्स जो भी आपकी टेबल हैं फ्राम इस्टोर कॉमा यहाँ पर कॉमा आएगा दैन ओनर फिर कंडीशन वेर स्टोर डॉट ओनर आई डी एक टू ओनर डॉट ओनर आई डी एंड सेकेंड कंडीशन एक और है यहाँ पर ऑफ ऑल स्टोर इन मुंबई जो सिर्फ मुंबई में है आपको सिर्फ उनके ही स्टोर नेम और ओनर नेम आपको डिस्प्ले करने सो सेकेंड इज लोकेशन इक्वल्स टू मुंबई तो एक कंडीशन तो ये डिफॉल्ट आएगी जब भी दो टेबल आपकी कनेक्ट हो रही है और दूसरी कंडीशन यहाँ पे मेंशन थी अगर ये कंडीशन मेंशन नहीं होती तो आपका सिर्फ इतना ही होती क्वेरी यहीं पे आपका सेमी कॉलन आ गया होता बट यहाँ पे एक और कंडीशन है कि ऑल द स्टोर्स इन मुंबई सो वी विल राइट एंड लोकेशन इक्वल्स टू मुंबई और यहाँ ये यह क्वेरी आपकी इतनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी सो so यहाँ पे ये सैम्पल पेपर भी आपका कंप्लीट हो गया है आई होप आपको ये सैम्पल पेपर समझ में आया होगा और इजी भी लगा होगा मेरे अकॉर्डिंग तो ये सैम्पल पेपर बहुत इजी uh, था काफ़ी इजी था अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ ली है सारे वीडियोस अच्छे से देख लिए हैं तो आपको ये ईजीली समझ में आया होगा एक ही क्वेश्चन इसमें जे के वाला जो था वो थोड़ा सा अलग था बाकी ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है ओके okay, सो so इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना है और प्री बोर्ड्स के लिए भी सो आई होप अब आप लोग के प्री बोर्ड भी जल्दी जल्दी स्टार्ट होंगे और आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया होगा सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ लाइक करिएगा कॉमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो